Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. मेरी एक्साइटमेंट आपको दिख रही होगी, मेरी हालत देख के एंड आई थिंक आपको दिख रहा होगा मेरे सारे सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ मेरे साथ हैं, मेरे भाई यहाँ पे सारे हैं, मेरी फैमिली यहाँ पे है. सो उससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप लोग भी यहाँ पर हैं. एंड टाइम्स ऑफ इंडिया एज आई सेड हमेशा रहा है मेरे एक यू नो एवरी स्पेशल ओकेजन का भी हिस्सा रहे हैं. तो आई थिंक आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड एंड एक्साइटेड. मेरा जो ग्रुप है, आई थिंक ये जो लड़कियां हैं सारी हॉट पटाखा लड़कियां हैं, उनको पता है कि क्या पहनना, भूमिका को भी क्या पसंद आएगा. तो आई थिंक मुझे बोलने की किसी को ज़रूरत ही नहीं थी. वी आर वेरी मच इन ट्रेंड एंड अप टू डेट एंड यू नो ये सब एक्चुअली इन सब ने मिलकर किया है, इतना हैपनिंग बनाया है. एंड ये जो लड़का यहाँ बैठा है उसने बहुत पीछे के माले बहुत ज़्यादा लगाए हैं, मेरे पापा ने नीचे के लगाए हैं, हमने बीच के लगाए हैं. तो आई थिंक दिस गाय हैज़ वर्क्ड अ लॉट एंड आई थिंक दीज बॉयज़ कल बहुत बर्तन धोए उन्होंने घर में. And the girls here have performed so hard and they're going to perform very much tonight. And बहुत प्रैक्टिस की है इन सभी लड़कियों ने. मेरी बहन ने मेरा दिमाग बहुत खाया है, बट ठीक है. तो यस, एवरी वन हैज़ वर्कड एंड मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. बताइए कितने सारे लोग हैं, आई एम अपनी गोइंग ब्लैंक एंड ओ गॉड आई एम टॉकिंग टू मच. लगा के रखना डोली सजा के रखना ले ले तुझे गोरी आ गए तेरे सजना. क्या बात है, पहली बार गाया उन्होंने, पहली बार. वेट कर रहे थे इस दिन के लिए और सालों से और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बस. क्योंकि मेरे भाई की शादी थी तो मुझे ऐसे ही जगमग लहंगा पहनना था और मुझे बेस्ट दिखना था एंड आई होप आई एम लुकिंग गुड. I wish them all the luck. I think Bhumika is a wonderful girl. We all love her. Matlab, I think best decision of his life. Yeah.
तो एक्साइटमेंट काफ़ी है, यही है कि शेखर सबसे पहले मेरे बात मतलब मेरे लिए परफॉर्म करने वाला है सबके सामने, एंड ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से सब लोग रिहर्सल कर रहे थे, बट वो डांस देख के मुझे लग नहीं रहा कि 2 हफ्ते का रिहर्सल लग रहा है बहुत कम पड़े, बट सब लोगों ने अपने अपने टाइम निकाला है, मुझे दिया है अपने अपने यू नो वर्क लाइफ से, एंड शेखर का परफॉर्मेंस देखने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, जो मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी. अभी चीटिंग वाला नाम है, ये से पहले ढूंढ लिया है. सब यहीं पे दिख रहे हैं, देखो शेखर, शेखर की दुल्हनिया. नहीं अभी असली नाम मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं छुपाया है, ढूंढेंगे उसको भी. वो एक्चुअली पता है सोचा नहीं था ना हमने, ही जस्ट हैपेंड, हम भी हैपेंड टू लाइक द कॉस्ट्यूम्स, एंड देन बाद में हमने रियलाइज किया कि हमारे कॉस्ट्यूम कलर्स एकदम सेम है, विच इज़ अ नाइस थिंग, क्योंकि मैं चाहती थी कि वैसा ही हो. और नॉर्मल लाइफ में भी हम जब ड्रेसअप होते हैं तो हमेशा कलर कोऑर्डिनेशन रखते हैं कि इफ़ ही इज़ वेयरिंग वाइट आई वेयर वाइट, इफ़ ही इज़ वेयरिंग ब्लैक आई वेयर ब्लैक. मेरे कपड़ों की स्टाइलिंग भी यही करती हैं. मैं बस बहुत एक्साइटेड हूँ कि भूमिका और शेखर की शादी हो रही है 2 दिन में, एंड उन्होंने मुझे इनवाइट किया. भूमिका एक अच्छी दोस्त है, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. जब दो लोग यू नो लाइक जैसे आई बीन मैरिड 4 साल से, जब दो लोग जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और यू नो उनकी शादी होती है तो अच्छा लगता है यू नो, एक बिकॉज इफ़ यू मीट द राइट पार्टनर इतना एक्साइटिंग है, आपकी लाइफ इतनी बेहतर हो जाती है. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम लकी आई एम पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन. आप लोगों का सभी का मुझे बहुत प्यार मिला है हमेशा से, एंड हमेशा से यही प्यार मेंटेन करे, एंड हमेशा मुझे याद करे, और मेरे स्पेशल ओकेजन पर मतलब हमारे स्पेशल ओकेजन पर आप हमेशा साथ रहें, एंड थैंक यू फॉर सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट. आप लोग हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं. भूमिका शेखर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ. लव इच अदर, बी देयर फॉर इच अदर. सबसे ज़रूरी पेशेंस रखिए फॉर इच अदर, और गुस्सा काबू में.